For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराह उस्मान है. मैं जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रही हूँ. मैंने सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स में वॉलंटियर किया था कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं और अगर आपको कोई माइनर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं हमारा इनबॉक्स. तो उस हवाले से मुझे काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं कोरोना वायरस के हवाले से. कोरोना वायरस क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं. मैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिसके काफ़ी सारे सवालात मुझे मौसूल हो रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि एक सवाल मुझे जो बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहा है वो ये है कि जैसे कि अब हम आजकल लॉकडाउन में हैं, ज़्यादातर लोग घरों में हैं, लेकिन घरों में ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं बाहर से, तो उसको डिसइंफेक्ट कैसे किया जाए. सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोरोना वायरस है वो सरफेसेस पे ज़िंदा रह सकता है और सबसे ज़्यादा जो इसका टाइम है वो प्लास्टिक पे है. मतलब प्लास्टिक पे ये 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है. तो अगर आप कोई ग्रॉसरी लेने बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि घर से कोई एक साफ कपड़े का थैला लेकर जाएं और उसमें ग्रॉसरी लेकर आएं. और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिस प्लास्टिक बैग में आप ग्रॉसरी लेकर आ रहे हैं उस प्लास्टिक बैग को आप घर से बाहर ही डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ ग्रॉसरी को घर के अंदर लेकर आएं. दूसरी बात ये कि जो ग्रॉसरी आपकी वॉशेबल है उसे घर के अंदर आते ही, मतलब घर के अंदर एंटर होने से पहले ही उसे वॉश कर लिया जाए. मतलब अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि प्री पैकेज्ड होती हैं उन्हें आप डिसइंफेक्ट कर लें या वॉश कर लें जैसे आपको ठीक लगे. पानी साबुन से वॉश किया जा सकता है या फिर किसी डिसइंफेक्टेंट से वॉश किया जा सकता है और उसके बाद उसे घर के अंदर लेकर आए. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे जो बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहा है वो है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम क्या करें. तो वेजिटेबल्स का तो ये है कि अगर आप उसे प्रॉपरली वॉश कर लें और उसे कुक कर लें तो उसमें कोई भी किसी किस्म का वायरस जिंदा नहीं रहता. और जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के बारे में अभी तक जो FDA की हमारे पास FDA की जो हमारे पास हैं इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ये वायरस फूड बॉर्न नहीं है और ना ही ये फूड आइटम्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है और फूड सर्फेसिस पे ना ही ये ग्रो करता है. अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. लेकिन जो फ्रूट्स के ऊपर कोई पैकेजिंग है, अगर आपकी कोई उसके ऊपर प्लास्टिक सरफेस है तो फिर उसके ज़रिए डेफिनेटली ये ट्रांसफ़र हो सकता है. पहली बात तो ये कि अगर आप कोई फ्रूट घर में लेकर आ रहे हैं तो उसका उसकी पैकेजिंग या उसका जो ऊपर का प्लास्टिक कवर है उसे घर के बाहर ही डिस्कार्ड करें. और जो फ्रूट है उसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि उसे प्लेन वाटर से वॉश कर लिया जाए. और अगर ज़्यादा आप केयर करना चाहते हैं तो पानी में सिरका मिलाकर, सादा सिरका है जो, उसे सिरके को अच्छी तरह से मिला के उससे फ्रूट्स को वॉश किया जाए और उसके बाद कंज्यूम किया जाए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि बहुत सी खवातीन मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हम घर के बाहर जो हमारी कॉलोनी है उसी की कॉलोनी के अंदर क्या हम वॉक कर सकते हैं. तो इसका जवाब है नो, आप कॉलोनी में भी वॉक नहीं कर सकते. अगर आपको गवर्नमेंट कह रही है कि इनसाइड ऑफ होम रहें तो इसका मतलब है आपने घरों के अंदर रहना है, अपने घर से बाहर निकल के कॉलोनी की बाउंड्री के अंदर आपने वॉक नहीं करनी है. इसकी वजह यह है कि जैसे ही कोई इंसान सड़क से गुजरता है, फर्ज करें उसे कॉफ आया है या स्नीजिंग हो रही है उसे, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलेंगे और कुछ देर तक तो वो एयर में रहेंगे और उसके बाद वो सेटल हो जाएंगे. सेटल कहाँ होंगे, रोड पे सेटल हो जाएंगे. तो अगर आप बाहर जाते हैं तो पहले तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं उस एयर से, वो एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स आपके अंदर जा सकते हैं. और दूसरा क्या है कि अगर वो सेटल हो चुके हैं रोड के ऊपर तो उस रोड के ज़रिए, आपके जूतों के ज़रिए वो वायरस आपके अंदर आ सकता है, आपके घर के अंदर. तो इनडोर्स रहने का मतलब ये है कि अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहें, ठीक है. और दूसरा ये कि जूते जो हैं उनके ज़रिए, जूतों के नीचे लगी जो मिट्टी है उसके ज़रिए वायरस घर के अंदर आ सकता है, इसलिए जो बाहर के जूते हैं वो बाहर ही उतारें.
कोशिश करें कि सिर्फ एक ही फर्द घर से बाहर जाए, घर के बाकी लोग घर से बाहर ना जाएं, जो कि ग्रोसरी लेने के लिए जाना है, और वो भी सिर्फ हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में दो दफा घर से बाहर जाए, ग्रोसरी ले, और घर से बाहर जो जाने वाला जूता है वो घर से बाहर उतारा जाए और घर के अंदर आकर नया जूता पहना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डेड बॉडीज के जरिए क्या ये ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि ये वायरस डेड बॉडीज के जरिए भी जिंदा लोगों में ट्रांसफर हो सकता है। इसी वजह से डेड बॉडीज को लवाहकीन के हवाले नहीं किया जाता और उन्हें प्लास्टिक के कवर में पैक करके दफनाया जाता है। इसलिए अगर कोई, अगर आपको हुकूमत की तरफ से उसकी आखिरी रसूमात अदा करने की इजाज़त मिल भी जाती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि आप PPE पहनें और उसके बाद ये करें। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को भी थ्रोट इरिटेशन, फ्लू या फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको कंफर्म नहीं है कि मुझे कोरोना है या नहीं है, तो प्लीज़ हर किस्म का फ्लू, थ्रोट इरिटेशन या फीवर को आप एज अ सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना ही लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसे कोरोना वायरस से हो रहा है या किसी दूसरे वायरस से हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आता है तो आप फौरी तौर पे अपने आप को अलग कर लें। अलग करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक अलग कमरे में रहें, एक डेडिकेटेड बंदा हो जो कि आपको खाने की अदवियात जो आपको ज़रूरत है वो आपको पहुंचाए, और वो भी इस तरह से कि उसने हाथों पे ग्लव्स पहने हों और आपका जो, और मास्क पहना हो और आपको वो खाने का सामान या आपकी ज़रूरत की जो अशिया है वो पकड़ा दे और उसके बाद उसे आपसे मौसूल कर ले। मतलब जो आपको अटेंड करने वाला बंदा है घर में वो भी अपनी प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखे, ठीक है। और जब तक आपका ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आपने अपने आप को आइसोलेशन में ही रखना है। इन केस अगर ये कोरोना भी है तो भी 70-80% लोगों में ये होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाता है। सिर्फ आपने क्या करना है कि स्टीम लेना है, वार्म वाटर गॉगल्स करने हैं, और अगर फीवर है तो उसके लिए पैनाडोल लेनी है। कोई खास आपको चीज़ें इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी नोट्स का क्या करना है। जहाँ तक कोशिश हो सके डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करें। करेंसी नोट्स अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका एक सादा सा तरीका है कि जो भी डिसइंफेक्टेंट आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो करेंसी नोट्स पे स्प्रे करें और उसे या तो सनलाइट में रख दें ड्राई होने के लिए, या फिर उसे इस्त्री के ज़रिए ड्राई कर लें और उसके बाद दोबारा यूज़ करें। जो शख्स भी घर से बाहर जा रहा है कोशिश करें कि उस वो एक अगर अलग कमरे में रह सके तो रहे, ज़्यादा घर वालों के साथ घुले मिले नहीं। और अगर जैसे ही घर से जाता है और वहाँ से वापस आता है अपने जूते बाहर उतारें, घर के अंदर एंटर होते ही वो अपने जो कपड़े हैं वो उन्हें चेंज करें और फौरन से वॉश ले, वो अपने आप को मतलब क्लीन करे, नहाए, और नहाने के बाद वो घर के अंदर एंटर हो। इसके बाद है कि केयर ऑफ किड्स कैसे की जा सकती है। बच्चों की जो केयर है वो आप इसी तरह कर सकते हैं कि बच्चों को खुद से और जो शख्स घर से बाहर जा रहा है उससे दूर रखें। बच्चों के मुंह के साथ मुंह ना लगाएं, बच्चों को किस ना करें, हग ना करें, बच्चों से भी सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करें। इस वक्त आप अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा केयर इसी तरह कर सकते हैं कि बच्चों को खुद से दूर रखें, उन्हें किसिंग करना, उन्हें हग करना, इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे हमारी फैमिलीज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है और एक ही घर में बड़े से घर में सब रहते हैं, तो कई घरों में ऐसा है कि एक से ज़्यादा स्टोरीज होती हैं और एक से ज़्यादा किचन्स भी होते हैं। अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप घर के मेंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ मेंबर्स एक स्टोरी में रह लें, कुछ मेंबर्स एक स्टोरी में रह लें, और किचन्स भी इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना की जाए। एल्डरली पीपल के बारे में जो कि 50 साल से ऊपर हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना, किसी भी सूरत घर से बाहर नहीं जाने देना। हमारे बुजुर्ग हजरात बात मानने के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होते। मुझे इस तरह की बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि हम अपने वालिद को या अपनी वालदा को मना कर रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाएं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते, वो हमें टाल देते हैं। तो उन्हें आप सख्ती से मना करें,
ये उनके लिए उन्हें उनपे इस वक्त थोड़ा सा उन्हें समझाना, उन्हें सख्ती से मना करना उनके हक में बेहतर है। उन्हें एक कमरे में अलग कर दें, लेकिन बड़ों को और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा आप अलग कर दें। आप एक ग्रुपिंग क्रिएट कर लें घर में कि सब लोग एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फासले पर रहें, बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं। दूसरा तीसरी बात यह है कि अगर जो शख्स घर से बाहर जाने वाला है, जिसने ग्रॉसरी के लिए जाना है या किसी और मकसद के लिए, तो वो अपनी टेम्परेचर मॉनिटरिंग डेली करे। और टेम्परेचर मॉनिटरिंग का तरीका ये है कि जो थर्मामीटर है वो आपने मुंह में नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है वही थर्मामीटर घर का कोई दूसरा फर्द भी यूज कर ले। तो थर्मामीटर को आर्म पिट में रख के अपनी टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है आपने। अगला सवाल ये है कि एसी क्या हम चला सकते हैं घर में? तो एसी आप बिल्कुल चला सकते हैं घर में, बस आपने घर की हाइजीन का, डिसइंफेक्शन का ख्याल रखना है। ज्यादातर कोशिश करें कि आप कुकेबल आइटम्स यूज करें, रॉ आइटम्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। चिकन और मीट के बारे में क्वेश्चंस मुझसे किए जा रहे थे, तो चिकन और मीट आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बस ये है कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो अच्छी तरह से उसे पकाने के बाद। मेड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि मेड्स का क्या करें? मेड्स को पेड लीव दें और अपने घर के काम खुद करें। मेड्स को भी सेफ रखें और अपने आप को भी सेफ रखें। मेड्स को बिल्कुल भी इन दिनों में अलाउ नहीं करें आप। अगर आपके घर में कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसे कि बफर जोन बनाया जा सकता है, मतलब हमारे हाउसेस में, पाकिस्तान के हाउसेस का डिज़ाइन ऐसा होता है अक्सर कि एक मेन गेट होता है और जो ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा अलग होता है, मतलब वो भी बाहर की तरफ ही खुलता है। तो कोशिश करें कि जो उस कमरे का दरवाज़ा है उसे यूज़ कर लिया जाए, जो कि ग्रॉसरी लेने के लिए आदमी बाहर जा रहा है, तो उस दरवाजे के जरिए वो बाहर जाए, उस दरवाजे के जरिए वो अंदर आए। ग्रॉसरी की वो आइटम्स जो कि वो लेकर आ रहा है उसे उसी कमरे में डिसइंफेक्ट किया जाए, वहीं पर वॉश किया जाए। डिसइंफेक्ट करने के बाद उसे वहीं पर रख दिया जाए। अगर तो उसे फौरी इस्तेमाल नहीं करना तो आई वुड सजेस्ट के 24 आवर्स तक वो उसी कमरे में ग्रॉसरी आइटम्स पड़ी रहें और उसके बाद उसे उन आइटम्स को घर के अंदर लेकर जाएं और उसे इस्तेमाल करें। कपड़े और बेडशीट्स जो हैं वो अपनी बाकायदगी से धोएं। धोने के लिए आप उसमें डिटॉल लिक्विड डालें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा है सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए अगर आप सनलाइट ले सकते हैं डेली तो वो आप लें। सूरह बकरा मैं प्रेफर करूँगी बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि सूरह बकरा की तिलावत घर में रोज़ाना चलाएं, अपने मोबाइल पे या किसी स्पीकर पे, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है उस पर सूरह बकरा की तिलावत चला सकें। एक्सरसाइज करें, अपनी कैलोरीज कंट्रोल करें और अपने खाने को खाना ध्यान से खाएं, मतलब अपना इनटेक जो है वो नॉर्मल रखें, हेल्दी डाइट लें, अपने आप को कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी बचाएं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप किसी और वजह से बीमार नहीं होंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो कि इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है। तो अपने आप को बाकी बीमारियों से भी बचाएं ताकि आपको किसी और मसले के लिए भी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, क्योंकि हो सकता है आप किसी और मसले के लिए जाएं और आप वहां से कोरोना वायरस लेकर वापस घर आ जाएं। तो खाना जो है वो एतदाल से खाएं, भूख रख कर खाएं जैसा कि सुन्नत में भी बताया गया है। ठंडी चीज़ों का, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करें। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है कि क्या डिटॉल लिक्विड जो कि कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम सैनिटाइजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? तो वो आप डाइल्यूट करके सैनिटाइजर के तौर पर यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद आपकी स्किन पे रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, वो स्किन को इरोड करता है। तो सैनिटाइजर इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में रह रहे हैं। घर में अगर आप रह रहे हैं तो प्लेन वाटर और सोप के साथ अपने हाथों को धोएं। सैनिटाइजर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो घर से बाहर जा रहा है ग्रॉसरी आइटम्स लेने के लिए, और उसके लिए भी होममेड सैनिटाइजर भी आप बना सकते हैं जो कि ईजी है। रबिंग अल्कोहल 2/3 और 1/3 एलोवेरा जेल मिलाने से होममेड सैनिटाइजर बन जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए उनसे पूछा जा रहा है कि इम्यूनिटी किस चीज़ से इंक्रीज की जा सकती है? तो 8 घंटे की नींद, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस से खुद को बचाना। आजकल की सिचुएशन में हर एक स्ट्रेस में है
और अपने आप को स्ट्रेस से बचाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद को स्ट्रेस से बचाएं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, और विटामिन सी फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल्स से हमें हासिल हो जाता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली अलग से कोई मल्टी विटामिन लेने या फिर विटामिन सी के अलग से कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, कि क्लोरोक्वीन और ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, इनके कम्बिनेशन कहा जा रहा है कि ये इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये कि इसके मुतल्लिक अभी तक हमारे पास एविडेंस बेस्ड डेटा अवेलेबल नहीं है, और जो ये कम्बिनेशन फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, ये QT इंटरवल प्रोलोंगेशन करवाता है, जो कि अरिथमिया है, मतलब दिल की एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सीवियर है। तो आप, हो सकता है अपने आप को कोरोना से बचाते बचाते ये कम्बिनेशन दवाइयों का ले लें और आप अल्टीमेटली कार्डिक एमरजेंसी में एंड करें। तो इस वजह से ये आप अवॉइड करें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी किस्म की दवाई आप नहीं लें, और प्रोफाइलेक्टिक यूज भी इसका रिकमेंडेड नहीं है। मोबाइल्स और लैपटॉप्स को दिन में एक दफा डिसइंफेक्ट करें और नाखून तराश के रखें। लड़कियों के, बच्चियों के आजकल उन्हें बहुत शौक होता है, नाखून बड़े होते हैं, तो हाथ धो भी लें आप तो वायरस आपके नाखूनों की निचली सतह पर लगा रह सकता है। तो इस वजह से अपने नाखूनों को अच्छी तरह से तराशें और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। ये कुछ वो सवालात थे, जो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे जिसके मुतालिक मुझे बहुत सारी क्वेरीज जो थी वो मौसूल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में आप से ये एड्रेस कर लूं। एक और बात जो कि मैं आपसे कहना चाहूंगी वो ये कि कोशिश करें किसी भी मसले के लिए आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास खुद ना जाएं। आप कोशिश करें कि ऑनलाइन कंसल्ट कर लें। ऑनलाइन कंसल्ट करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, जैसे कि ये मरहम ऐप है, इसके थ्रू आप डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डॉक्टर से ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ये वीडियो के नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसमें किसी भी डॉक्टर, किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर से अगर आपने कंसल्ट करना है तो आप उसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं और उनसे डायरेक्टली आप घर बैठे कंसल्ट कर सकते हैं। और ये आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल्स जाने से गुरेज करें, ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से डिस्कस कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक में। मेरा नाम डॉक्टर फरा उस्मान है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा से जितनी जल्दी हो सके खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे बिहेव करें। और मैं फिर आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि घरों के अंदर रहें। वॉक भी करनी है तो घरों के अंदर करें, एक्सरसाइज करनी है तो घरों के अंदर करें। ग्रॉसरी का सामान हफ्ते में एक दफ़ा आ जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप फलों को, सब्जियों को भी हफ्ते में एक दफ़ा ला सकते हैं। हम सब लोगों के घरों में फ्रिजेस मौजूद हैं, और फ्रिज किस लिए होती है? वो इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए होती है। आप एक हफ्ता आराम से निकाल सकते हैं। एक हफ्ते के बाद कोई एक शख्स बाहर जाए और वो सारा सामान ले आए, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।